जैसे कि बाबा ने बोला है किसी से प्रभावित होना माने उसकी प्रजा बनना है, तो पर किसी की गुणों से अच्छाइयों से प्रभावित हो रहे, उसे अप्रिशिएट कर रहे, तो क्या गलत बात है? स्टूडेंट, जस्ट लाइक बाबा हैज सेड, टू बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन मींस टू बिकम हिज सब्जेक्ट. इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स वर्च्यूज एंड क्वालिटीज, इफ यू आर अप्रिशिएटिंग हिम, इज इट रॉन्ग? अभी शिव बाबा आया हुआ कि नहीं? बाबा नाउ हैज शिव बाबा कम और नॉट? स्टूडेंट, ही हैज कम. तुम्हारा पति कौन है? शिव बाबा. हु इज योर हस्बैंड? स्टूडेंट, शिव बाबा. तो जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के गुण बाबा तो बोले आधारित हो जाए, तो वो अच्छी पत्नी है या खराब है? तो बाबा ने तो बोला किसी को देखना जिसके गुण देखो, किसी से गुण ग्रहण करो. अगर देखना ही है तो So, if a wife leaves her husband aside and becomes influenced by the qualities of someone else's husband, then is she a good or a bad wife? Student, Baba has said, if you have to see someone, look at their virtues and assimilate them. This was mentioned in the case when you have to see them. Dekhana jaruri to nahi bataya. It wasn't said that it is necessary to see them. है? लेकिन क्या करे, नजर चंचल है, 63 जन्म चली जाती. बट वॉट टू डू इफ द आईज हैव बिकम इनकॉन्स्टेंट फॉर 63 बर्थ्स, दे गो टुवर्ड्स दैट पर्सन. तो बाबा ने बोल दिया अगर देखना ही है, बिना देखे नहीं चलता है, तुम्हारी आंखें ज्यादा चंचल हो गई हैं, तो क्या करो? सो बाबा हैज सेड, इफ एट ऑल यू हैव टू सी, इफ यू कांट लिव विदाउट लुकिंग एट अदर्स, If your eyes have become more inconstant, what should you do? Student replies, yes, you should see only virtues.